हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा डीआईवाई हेयर मास्क जिसकी हेल्प से आप अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, उनमें कोई शाइन नहीं है, तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाएगा, आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा। अगर आपके बाल बढ़ते नहीं हैं तो ये हेयर मास्क आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस हेयर मास्क को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी बनाना की। आपको बनाना को एक बनाना लेना है, आपको उसको अच्छे से छिलकर आपको इस तरीके से गोल गोल कट कर लेना है। बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूद और शाइनी हो जाएं तो बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूद बनाएगा, सिल्की बनाएगा और आपके बालों को शाइनी बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, वो है एग, यानी आपको एक अंडा लेना है। अंडा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सॉफ्ट, स्मूद और शाइनी हो जाएं, सिल्की हो जाएं, तो एग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस हेयर मास्क के लिए। ये आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर तो करेगा ही और आपके बालों को सिल्की और स्मूद बनाएगा। तो हमें एक अंडा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है वो है लेमन। लेमन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो गया आपके बालों में, तो ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। आप लेमन ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें चाहिए रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध आपके बालों को डीपली क्लीन करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूद और सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा। उसके बाद हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए, आपकी बालों की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं कि अब हमें इस हेयर मास्क को बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए आपको जो हमने बनाना लिए थे उसको आपको अच्छे से मैश कर लेना है, या फिर आप इसे मिक्सी में पीस कर भी इसका स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर मैश बनाना लिया है उसको आपको एक बोल में डालना है, कम से कम 3 चम्मच होना चाहिए ये। उसके बाद मैश में ऐड करूँगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है, वो है रॉ मिल्क। आपको कच्चा दूध ही लेना है, कच्चा दूध आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कच्चा दूध लिया है और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक ये कच्चा दूध बनाना के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है हाफ लेमन जूस। लेमन जूस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको आधा नींबू लेना है, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच होना चाहिए ये रस। ये आपके बालों से डैंड्रफ को दूर करेगा, आपके बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको इसमें 1/2 चम्मच ऐड करना है। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसमें 1/2 से 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर लीजिए, वो भी आप इसमें 1/2 या 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक अंडा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैं तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एग वाइट ऐड करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसमें सिर्फ एग का योक ऐड करिए, और अगर आपके बाल नॉर्मल है तो आप इसमें पूरा का पूरा एक अंडा डाल सकते हैं और इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके बालों पर अच्छे से अप्लाई हो सके। देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो अब हमारा DIY हेयर मास्क एकदम रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इसे वीक में एक बार भी यूज़ कर लोगे ना तो आपको आपके बालों में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आपको इसे अपने बालों पे जब भी आप हेयर वॉश करें तो इससे कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आपको इस मास्क को अपने बालों पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर के बालों को क्लचर से टक कर रही हूँ और नीचे के बालों से स्टार्ट करती हूँ। आपको थोड़े थोड़े बालों में इसे लेना है और अपने पूरे बालों पर अप्लाई करना है। आप इसे अपनी बालों की स्कैल्प से लेके अपने पूरे बालों के लेंथ तक अप्लाई करें, पूरे नीचे तक आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, तो आप इसे अपनी स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपने पूरे बालों पर थोड़े थोड़े बालों को लेकर अच्छे से इस हेयर मास्क को अप्लाई कर लेना है। ये हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसे वीक में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाएगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, और आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाए, शाइनी हो जाए, तो इस हेयर मास्क को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने पूरे बालों पर अच्छे से थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके अप्लाई कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बाल धोने जाएं उससे आपको 1 से 1.5 घंटा पहले ही अप्लाई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 1 घंटा पहले भी अप्लाई करेंगे तो आपको आपके बालों में फ़र्क देखने को मिलेगा। पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से अपने बालों को क्लचर से टक कर लेना है, और उसके बाद आप कोई भी शावर कैप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन की हेल्प से अपने बालों को अच्छे से ढक लीजिए। और उसके बाद आपको इसे 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। बालों को धोने के बाद आप अपने बालों में फ़र्क देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा शाइनी फील करेंगे। और अगर आप इसे वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।